हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रीना और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर भुर्जी की रेसिपी। तो चलिए फटाफट रेसिपी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ले ली है 250 ग्राम के करीबन पनीर, और पनीर को कर लेंगे कद्दूकस। तो यहाँ पर हमने ले ली है ग्रेटर और मोटे वाले साइड से इसको ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने आधे पनीर को ग्रेट कर लिया है और आधे को इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे। आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। तो पनीर हमने क्रश कर लिया, इसको साइड में रहने देते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच बटर, साथ ही में डालेंगे 1 चम्मच तेल ताकि बटर हमारा जले नहीं। और बटर को मेल्ट हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। कुछ सेकंड के लिए जीरा को होने देंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 प्याज। मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे प्याज को भून लेना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं, कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमारा हो गया है। तो इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसको भी प्याज के साथ 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो भी अदरक का कच्चापन हो लहसुन का वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर प्याज और अदरक लहसुन सारे चीज़ को अच्छे से भून लिया है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसमें जाएगा 1 चम्मच बेसन ताकि हमारी पनीर भुर्जी में अच्छा सा बाइंडिंग आए। मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए बेसन को भी अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन भी हमारा अच्छे से भून गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप तीखा खाते हैं तो 1/2 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर भी डाल लीजिएगा। साथ ही में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च कट किया हुआ। मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मसालों को भूनते हुए 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। तो इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे 2 टमाटर को हमने चॉपर में चॉप करके लिया है, आप इसको बारीक कट करके भी ले सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मसालों को पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मसालों को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, मतलब मसाला अच्छे से पक चुका है। तो इसमें डाल देंगे 1/2 शिमला मिर्च बारीक कट किया हुआ। मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा मलाई। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मली जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसी मलाई को 2 चम्मच अच्छे से फेंट लिया है, इसको भी डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर। साथ ही में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी। आप कस्तूरी मेथी के जगह पे धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। वापस से इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, जिस भी तरह का आपको ग्रेवी चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर ग्रेवी एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे पानी डाल के मिक्स कर दिया है। 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टमाटर के बीजों को निकाल के इस तरह से कट कर दिया है, इसको भी डाल देंगे। साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च कट करके डाल देंगे और मिक्स करने के बाद इसको ढक के लो फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 1.5 से 2 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पनीर भुर्जी एकदम तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और चलते हैं गर्मा गर्म इसको सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ पनीर भुर्जी को ब्रेड के साथ। आप इसको रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें
सपोर्ट कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।